पता है भाई कि यहाँ तुमको आयशा, मैं कहाँ हूँ? पेंगू, अंबा, रानी, तुम हो यहाँ? शक्ति मई सीसु। कौन बोला? कौन है? कौन हो? ओए, अरे वाह, ये कौन सा आसन है? मिट्टी में नहीं लौटते बेटा, देखो कितनी मिट्टी लगा ली। सीसु, तुम ही हो ना? सीसु? और तुम इंसान हो, और तुम्हारा नाम? राया, मैं राया। और तुम पत्थर नहीं हो, इसका मतलब असर हुआ, कामयाबी। सुना तुमने पेंगू? हो गया असर, मैंने कोई गलती नहीं की। ये नाश्ता है? पता है, दुनिया को बचाने के चक्कर में आज सुबह से मसाला चाय तक नहीं पी। आज तुम्हें क्या लगता है आज कौन सा दिन है? मंगलवार। माने क्या है ये ढंग स्वाद वाली चीज? ये कटहल की टिक्की है, इसे मैंने ही बनाया है। वाह, बड़ी भयंकर बावर्ची हो। ले बेटा, तू ही खा। सीसु, देखो कुछ चीजें हुई हैं जब तुम सो रही थी। जैसे? तोड़ दिया। ओह ओहो, ये तो लफड़ा हो गया रे, तबला बज गया। मैं 500 साल खराटी लेती रही और बवंडरों की कबड्डी फिर शुरू, और मेरे भाई बहन वापस नहीं आए। क्यों नहीं आए रे? नहीं मालूम। हीर को भी टपका डाला तुमने। पर मेरे पास एक बड़ा टुकड़ा है उसका। तो क्या मैं खुशी में लुंगी नाच करूं? अगर तुम्हारा खिलौना खो जाए और मैं बोलूं मेरे पास बड़ा टुकड़ा है उसका, तो क्या तुम ताता थैया करने लगोगी? तुम एक और हीर बना सकती हो ना? क्यों, मैं कोई हीर बनाने वाली भाई हूँ? नहीं, तुम ड्रैगन हो ना। ओह, पोल खोलनी पड़ेगी। ठीक है, मैं ना कोई दम्भाड़ ड्रैगन नहीं हूँ। तुमने तो दुनिया को बचाया था। हाँ, बचाया था, 100% सच है। पर जैसे बच्चे रसोई से लड्डू चुराते हैं और एक बच्चा सिर्फ बाहर नजर रखता है और तब भी उसे सबसे बड़ा लड्डू देते हैं, हाँ वैसे ही मैंने हीर बनाया तो नहीं, मुझे बस दिया गया था। याव, तुम चमक रहे हो। जानती हूँ, वो ना मैं अपनी त्वचा पे हल्दी और नहीं, चंदन नहीं, देखो। ओ, ये तो मेरी छोटी बहन अंबा का जादू है। मैं चिल्लू मिल्लू हो गई। तुम्हारी बहन का जादू है ये? हाँ, हर ड्रैगन का अपना जादू होता है। तो तुम्हारा कौन सा है? मैं एक छकास तैराक हूँ। पर वो हीर का टुकड़ा छूते ही तुम्हें शक्ति मिली, तुम्हें इसका मतलब पता है? अब लालटेन का तेल बचेगा क्या? नहीं, हीर के जादू से अभी रिश्ता है तुम्हारा, और दुनिया को बचाने में उसका इस्तेमाल कर सकती हो। अगर हीर के बाकी टुकड़े मिल जाए तो उन्हें साथ जोड़ के बवंडर को भगा सकती हो। लौट आएंगे मेरे बाबा, साथ में सारा कुमंद्रा भी। शहजादी नमारी, पूंछ भूम में बवंडर फैले हुए हैं। बेंजा की बेटी जरूर पत्थर हो गई होगी। एक फालतू ड्रैगन की पत्री वापस लेने के लिए खतरा मोलना ठीक नहीं है। क्या किसी और को हमारे लक्ष्य पर कोई शक है?